अस्सलामु अलैकुम। जावेद अहमद गामदी हाफिज़ अल्लाह ताला साहब की एक वीडियो लीक हुई है जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो को देखकर काफ़ी सारे लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। दरअसल उस वीडियो के अंदर गामदी साहब एक मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पर जुमे की नमाज़ के लिए मतलब के ना गए हुए हैं। जो लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यार ये देखें कितना बड़ा स्कॉलर है और मतलब के ना किस तरह माशाल्लाह इनकी सादगी देखें कि यार यहाँ पर तो कोई छोटा सा मौलवी मशहूर हो जाए ना तो वो तीन चार बंदे प्रोटोकॉल के लिए उसके जाओ खड़े होते हैं कि सर आए हैं आप आए इधर ये करें वो करें लेकिन यार देखें गामदी साहब की तो क्या ही बात है। ये लोग तारीफ़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं वो ऐसे कि यार ये देखो इतना बड़ा स्कॉलर होकर इसको ये नहीं पता कि मैंने जाओ शलवार टखनों से ऊपर करनी और टखने नंगे करने हैं, ठीक है ना, इसको यही बात पता नहीं है, शायद ये भूल गए हैं। तो यहाँ पर मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं कि गामदी साहब की सादगी में कोई शक नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह पाक उनको सलामत रखें, सेहत व तंदुरुस्ती दे, आमीन। और दूसरा मेरे भाइयों उनका मौक़ ही बिल्कुल अलग है, टखनों से ऊपर शलवार रखने का मौक़ उनका बिल्कुल चेंज है। वो कोई भूले नहीं हैं कि नमाज पढ़ने के लिए जाओ शलवार ऊपर करना भूल गए हो टखनों से। वो कहते हैं कि नहीं जी ये मतलब कि इस वास्ते ज़रूरी नहीं है कि आप शलवार जो ऊपर करें या नीचे करें इससे कोई जो इस वास्ते से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अलग दलाल देते हैं, ठीक है ना। बाकी आप अंजय मोहम्मद इमजा साहब का भी ये मौक़ सुन लें टखनों के ऊपर शलवार रखने का कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, ये आप देखें। टखनों से नीचे शलवार करने से वुजू टूट जाने वाली हदीस को शेख ज़ुबैर अलज़ई साहब हसन कहते हैं जबकि शेख अल्बानी दूसरे मदज़हीब कहते हैं, हम किसकी बात माने? आप उसकी बात माने जो एहतियात के ज्यादा करीब है इस मसले में। शेख ज़ुबैर साहब ने दूसरों ने जो ज़ईफ कहा उन्होंने कहा एक रावी मजहूल है जबकि शेख ज़ुबैर साहब ने तीन मुहदिसीन से उसकी तौसीक साबित की है और यह रवायत मिश्कात के अंदर भी मौजूद है अबू दाऊद की रवायत। तो एहतियात इसी साइड के ऊपर है कि वुजू टूटने का मसला नहीं है, नमाज नहीं होती, वजू टूटने का तो शेख ज़ुबैर साहब भी नहीं कहते, उसमें अल्फाज है ही नहीं है कि वजू टूट जाता है। उसमें है कि एक शख्स आया अबू दाऊद के अंदर अल्फाज मौजूद है और उसका तैमर टखनों से नीचे था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने आके सलाम किया, आपने जवाब दिया, फरमाया कि वजू जरा के दोबारा करो और फरमाया कि जिसका कपड़ा टिकटों से नीचे हो अल्लाह तआला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। वो तो उसको एक आप समझे कि कलंटी के तौर पर कहा कि वजू दोबारा करे, आपने ये नहीं फरमाया उसमें कि तुम्हारा वजू टूट गया, बल्कि उसको याद दहानी के लिए बात कही कि वो टखनों से ऊपर शलवार कर ले या तहमद ऊपर कर ले। तो टखनों से ऊपर ही करनी चाहिए क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की बाकी हदीस इतनी सख्त मौजूद हैं जिसका कपड़ा टखनों से नीचे हो अगर चश्मे तकबर के अल्फाज मौजूद हैं वो दोजख में है, लेकिन आप इस्लाम की अमूमी सुन्नत तो है ये और इतने सख्त अल्फाज मौजूद हैं, लिहाजा बेहतर यह है और मुसलमानों के अमली तवातुर इजमा ने भी ट्रांसफर किया है कि टखने नंगे होने चाहिए नमाज में, इल्ला ये कि कोई जिद में ना आ जाए अदरवाइज सारी। जी रोही आपने देख लिया कि इंजन साहब का इस वास्ते क्या मौकफ है। तो गामदी साहब मतलब के नहीं ऊपर करते, उनकी अलग दलाइल हैं। आप साहब गामदी साहब के हवाले से सर्च करेंगे ना टखनों से ऊपर शलवार बाय जावेद अहमद गामदी तो आपको पता चल जाएगा भाई उनका क्या मौका है इस वाले से, ठीक है। लिहाजा जो भाई ये समझ रहे हैं कि गामदी साहब भूल गए थे ऊपर करना शलवार है तो मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, उनका मौक़ ही बिल्कुल चेंज है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे भाई तो पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।